खरीद से होंगे। मैं बनाने जा रही हूँ राजमा, ये है 1 kg, हाफ के जी राजमा। इसको मैंने बॉईल किया हुआ है राजमा को। राजमा में जो ऐड करने हैं वो अनियन, प्याज, ये मैंने 3 किए हैं। इसको मैंने अनियन प्याज के पेस्ट किया, पेस्ट बनाया इसको, 3 प्याजों का पेस्ट बनाया मैंने इसको। टमाटो पेस्ट, 3 टमाटो लिए, इसको पेस्ट किया मैंने। गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, और विद इसके अंदर मैंने ऐड किया है ग्रीन चिली, उसका पेस्ट बनाया। स्पाइसेस में जो चीज़ें ऐड करनी है वो रेड चिली पाउडर, नमक हसबे जायका, गरम मसाला रेडरा, दलदरा कुटा हुआ, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी, हल्दी पाउडर। ये मैंने पैन में ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी दलदरा गरम मसाला पीसा कुटा हुआ। इसको हल्का सा मैं भूनूंगी। ऑनियन का पेस्ट, प्याज का पेस्ट बनाया था वो डालूंगी, इसका ऐड करूंगी गरम मसाले के अंदर। मैं अच्छी तरह इसको भूनूंगी, तब तक भूनूंगी जब तक इसका रंग चेंज ना हो जाए। मैंने पहले इसके अंदर गरम मसाला इसलिए ऐड किया है क्योंकि इसका जो गरम मसाले का अरोमा है ना, वो इसके बड़ी मज़े की स्मेल आती है। तो देखिए इसकी बड़ी मज़े की स्मेल आ रही है इसके अंदर, इसका फ्लेवर भी बड़ा मज़े का इसके अंदर आएगा। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो रहा है, इसका पानी भी ड्राई हो रहा है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर का पेस्ट। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी अदरक लहसुन, जिसमें ग्रीन चीली डाली थी, इसका पेस्ट। इसको मैं अच्छी तरह पकाऊंगी, इसको अच्छी तरह भूनूंगी, इसको अच्छी तरह। मैं देखिए, ये देखिए मैंने इसमें अच्छी तरह भूना, इसमें उबाला आ रहा है थोड़ा थोड़ा। इसमें मैंने पानी और ऐड नहीं किया, ये जो टमाटर का पानी था ना, ये वही सूख रहा है। अब ऐड मैं इसमें करूँगी नमक, रेड मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, सॉरी धनिया पाउडर। इसको अच्छी तरह भूनूंगी। अब मैं फिर इसको अच्छी तरह भूनूंगी। मैंने इसमें इसको 2-3 मिनट भूना है इसको। अब मैं इस पॉइंट में आके इसमें राजमा ऐड कर दूंगी। इसको मैंने बॉयल किया हुआ है राजमा को, और जो इसका बॉयल पानी ना, वो मैंने बिल्कुल नहीं फेंका क्योंकि इसका बॉयल, इसका पानी ही इसमें टेस्ट देता है। इसको मैं अच्छी तरह भूनूंगी। ये इसको मैं अच्छी तरह भून लूंगी, ये भी बनाने के जितना बनना है इसको अच्छी तरह भून लूंगी मैं। ज्यादा भूनने से भी ऐसा तेज ज्यादा मजेदार आता। अब इसको मैं तकरीबन 20 मिनट्स के लिए इसको रख दूंगी ढाँप के, ताकि ये अच्छी तरह बन जाए। अब मैं इसमें इसका पानी ऐड कर दूंगी, ये इसी का पानी इसमें बॉयल किया था मैं राजमा को, तो इसी का पानी ये इसमें ऐड कर दूंगी पानी को इसके अंदर, और 20 मिनट्स के लिए इसको रख दूंगी पकने के लिए। फिर मैं इसको इसकी लुक दिखाती हूँ आपको। इसमें पानी इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करके ना मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। वेलकम बैक नाजरीन, ये हमारे मेरे राजमा और चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो उसको फॉलो कीजिएगा मेरी रेसिपी को। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।